हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ में और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंडीगढ़ से। एसीसी डंप में आए हैं हम और मैं तो यहाँ शाम को ही आया हूँ। गाड़ी हमने परसों भर ली थी, यहाँ पर आगे काफी गाड़ी खड़ी थी, इस करके हम कल शाम को ही घर से आए। और कल रास्ते में बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, कैसे न कैसे हम यहाँ पर तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही है। हमारे से पहले यहाँ काफी गाड़ियाँ खड़ी है। पहले ये गोल्लू भाई है, इनकी गाड़ी भी अंदर लगी हुई, ये भी हमारे से एक दिन दो दिन पहले आए हुए हैं। और बहुत सी गाड़ी है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ डंप के हाल। अभी हम आ चुके हैं गोल्लू भाई की गाड़ी में और हमने बनाया खाना। तो खाना बना दिया, खाना तैयार है और तीन चार बंदे हम पहले बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और दो बंदे बाद में खाएंगे और चले गए बाहर की तरफ। तो ये है एसीसी का डंप और 700 लोगों में हम अभी खाना खा के आए और दो बंदे हमारे और जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। और यहाँ उतरी गाड़ी है, हाँ जी, अभी ये खाएंगे खाना और हम बैठेंगे बाहर। तो ये लगी हमारी गाड़ी यहाँ सामने, यहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं है बिल्कुल नहीं, कुछ गाड़ी यहाँ पीछे खड़ी हुई और हमारी गाड़ी यहाँ एक आधी गाड़ी पर खड़ी है। तो गाइस, गाड़ी तो खाली हो नहीं रही है तो हम कर रहे हैं अपनी गाड़ी में रबिंग और अभी हम अपनी शो पे कर रहे हैं ये वाली रबिंग। और अभी हमने फ्रंट में कर ही दिए रबिंग, एक साइड कालू कर रहा है और यहाँ पर मैंने मार दिया, आपको लग रहा होगा कि साइड मार रही है जैसे शो हमारी। अभी देखते हैं इसको क्या रिएक्शन आता है, अभी इसकी रगड़ाई होगी ठीक ढंग से। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और अभी सुबह से लेकर तीन ही गाड़ी खाली हुई है। अभी देखते हैं, बोल रहे कि गाड़ी ये आएगी अभी दो और पलटी के लिए, तो एक आधी गाड़ी और हो जाएगी खाली। अभी हम पी रहे हैं शाम की चाय और अभी ये सामने गाड़ी खड़ी, इसका नंबर था पर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हमने इसे आगे वाली गाड़ी भेज दी खाली करने के लिए। बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है अंदर, इस गाड़ी का नंबर बाद में पहले था और उस टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ये गाड़ी अंदर ले आए और अंदर बिल्कुल फुल है, इस टाइम गाड़ी लगने की कंडीशन नहीं है। वो देखो भाई, मज़ा आया ऐसे बोल रहे हैं, गाड़ी खाली नहीं हो रही है। इस गाड़ी तो खाली हो नहीं रही है तो हम बना रहे हैं अभी शाम का डिनर और हम आज बना रहे हैं मटर पनीर और दिन में हमने बनाया था आलू न्यूट्री और राइस और अभी हम मटर पनीर बना रहे हैं और साथ में चपाती मंगवाई हमने और अभी हम गोलू भाई की गाड़ी में बना रहे हैं खाना। तो खा लिया हमने खाना खुना और कर लिया अपना सारा सेटअप बंद और अब हम करेंगे थोड़ी देर बातचीत और उसके बाद जाएंगे हम सोने के लिए। अभी कल के आसार तो लग नहीं रहे गाड़ी खाली होने के हमारे, पर ये कि कुछ गाड़ी हद तक उतर गई आज यहाँ पर और देखते हैं कल कितनी गाड़ी खाली होती है। तो आ चुका है गाड़ियों का नंबर खाली होने के लिए और ये खोल रहे हैं सतरपाल अपनी गाड़ी का, एक गाड़ी अंदर लगा दिए खाली होने के लिए ट्राला, एक गाड़ी अंदर लगा दिए ट्राला खाली होने के लिए, एक बार लग जाएगी। गाड़ी खाली हो चुकी है हमारी और टाइम हो रहे थे हम शाम के 8:30 और गाड़ी हमने खाली करके बाहर लगा दी है। मैं तो नहा गया हूँ बहुत ज़्यादा इस टाइम यहाँ पर और कालू गया इस टाइम नहाने के लिए, फिर निकल जाएंगे हम यहाँ से गाड़ी लोड करने के लिए। और ये सन्नी भी आ गया ट्राले को मोड़ के, उसको भी जाना है राजपुरा गाड़ी लोड करने के लिए। चल पड़े हैं हम यहाँ से यमुनानगर के लिए और अगले बार को पहले बिलासपुर जाना है गाड़ी लोड करने के लिए। अभी हम आ चुके हैं नारायणगढ़, नारायणगढ़ से थोड़ी सी पीछे हम होटल पर रुके खाना खाने के लिए। यहाँ पर एक सामने भी ढाबा है, एक ढाबा आगे है यहाँ और हम जाएंगे पीछे वाले ढाबे में। गाड़ी हमने लगा ली है साइड में, रोडों के साथ ही लगा दी गाड़ी, इसी के साथ ढाबा है पिछली साइड को। बारिश का मौसम लग रहा है तो कालू तरपाल कर रहा है नीचे डाले के लिए, चार ढक रहा है। बारिश भी हो सकती है आगे क्योंकि लग रहा है कुछ मौसम ख़राब है आगे। गाइस, कैसे ना कैसे हमारी गाड़ी खाली हो ही गई और अब मैंने सोचा कि दूसरी बार तो हम जाएंगे नहीं चंडीगढ़ कभी नहीं,
एसीसी के डंप पे, क्योंकि मेरे को डंप कुछ नहीं लगा वहाँ पर, इतनी जगह नहीं है जितनी गाड़ी है मंगवा लेते हो। और हमारे पास ऐसे भी फर्स्ट टाइम ही शायद डिमांड आई थी है, तो हमने जाके देख लिया कि कैसा सा डंप था। हमारे को पहले ही पता था कि बारिश आने वाली है, तो बारिश एकदम से आई और बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हो रही है, दे सकते हो। बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, खतरनाक तरह की बिजली पड़ रही है अभी यहाँ पे, बहुत ही डेंजर तरह की बिजली गिरी। हम तो यहाँ से गाड़ी तक जाने लायक भी नहीं रहे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही बात। गाड़ी का टायर फट चुका है लेकिन एक गाड़ी नहीं रोक रहे। तो गाइस हम आ चुके थे यमुनानगर और हमने अपनी गाड़ी लोड कर ली है, और इस टाइम हम नहा धो के बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, फिर जैसे ही यहाँ से नो एंट्री खुलेगी तो हम निकल जाएंगे। आज हमारी गाड़ी में पीछे ज़्यादा लोड हो गया है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पीछे को जा चुकी है और पीछे वाले टायर भी गर्म हो रहे हैं। और अभी हम पियेंगे यहाँ चाय। तो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं बरवाड़ा में और अभी हम रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, और वीडियो लंबी हो रही है, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।